दीपा क्या बोल रहा है भाई? अरे ये सब मत डाल, ये ब्लॉग मत डाल। नहीं नहीं ये तो डालना ही पड़ेगा, बॉयकॉट हो जाएगा भाई। क्या बॉयकॉट होगा? अरे नहीं यार अभी ये सब के जमाने में ये सब मत डाल। तो आज मैं अराउंड 3 साल के बाद मैं अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त से मिलने वाला हूँ। आज वो यहीं बैंड ला रहा था तो उसने बोला भाई चल मिलते, तो मैंने बोला चल भाई मिलते हैं। तो वही सीन हुआ, कर रहा हूँ उसे कॉल का, कॉल करता है तो फिर मैं जाता हूँ बाइक लेके मिलने, आपको दिखाता हूँ वो दोस्त है कौन। सो स्टे ट्यून्ड। So I've reached the place and this is Imam Bada. So he told he's inside. Deepak has told me that he is somewhere on top of that. और ये बंदा यहाँ पहुंच चुका है, उसको कोई आइडिया भी नहीं मैं इधर हूँ। दीपक अभी बोल रहा है कि मेरे को देख के इंस्पायर हुआ, मैं तो बोल रहा हूँ भाई मैं इसको देख के इंस्पायर हुआ ब्लॉगिंग करने में। क्रेडिट चाहिए बंदे को, अब तुमको चाहिए अब क्रेडिट। ये जो इमाम बड़ा है इसमें एक खासियत ये है कि ये रिपेयर नहीं होता है, ठीक है? पैसा जरूर लेते हैं, रिपेयर नहीं करते हैं। तो यदि आप लोग आते हो और डेफिनेटली आना चाहिए, तो इसको आप एक प्लेज कर सकते हैं कि आप इसको रिनोवेट करवाएं, क्योंकि ये इतना अच्छा जगह है, ख़राब होते जा रहा है और पैसे भी ले रहे हैं तो क्या यूज़ हो रहा है। ये बहुत जरूरी, और यहाँ पर शूटिंग भी हुआ था ना अमिताभ बच्चन का। हाँ, कौन सा? हाँ, कोई मूवी का शूटिंग हुआ, यहाँ पर अमिताभ बच्चन आया था। हाँ, आके शूटिंग कर दिया, इसलिए इसलिए सब ऊपर का दरवाजा टूट गया है इतना लंबा है ना। जब आपका आइडियल ब्लॉगर आपके सामने ब्लॉग कर रहा हो और आपको नॉलेज शेयर कर रहा हो, बहुत खुशी मिलती है अंदर से। हमारे दीपक भाई, गुड्डू भैया। वो टाइम ही टाइम है अपने पास, तो अभी ये जा रहा है। चल भाई बाय।